यहाँ पे जो फ्रंट की फिटमेंट है वो चेक कर सकते हो किस तरीके की जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आटा जर्मन वाले वो भी इंस्टॉल किए गए हैं जो कि प्रॉपरली पेयर्ड रहने वाले हैं। किया जा चुका है, कैसा कुछ इंटरफेस आ रहा है वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। कैमरा है उसका आउटपुट भी आप यहाँ पे चेक कर लीजिए किस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। हमने से आप देखोगे तो फॉग लाइट इस वाले मॉडल के अंदर नहीं आती है। तो अभी यहाँ पे आप देख रहे हो सामने फोकस है और हम लोग वीडियो बना रहे हैं ऑलमोस्ट इतनी ही दूरी से, तो अपना सामने जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो आप चेक कर सकते हो। अभी भी वहाँ पे काफी लाइट जो है, अगर हम और भी पीछे हो जाएंगे तो इसका फोकस जो है वो बरकरार रहने वाला है। दोस्तों डेकोरम कार एक्सचेंज सीरीज पे हैं। आज टोटल 5 टाटा की पंच, 3 गाड़ियां जो हैं वो अपनी पार्किंग में खड़ी हुई हैं, तीसरी अपनी यहां पर है और 2 गाड़ियां जो हैं अपनी शॉप पर मॉडिफाई करी जा रही हैं। आज के इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम इन 2 कार्स को जो है वो कवर करने वाले हैं। ये जो अपनी व्हाइट वाली कार है ये अपना एडवेंचर वेरियंट है जो कि सेकंड बेस होता है, और वो वाली जो अपनी गाड़ी है वो अपना बेस वेरियंट है। उस वाली कार के अंदर काम जो है वो ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है, तो सबसे पहले आपको मैं वही चेक करवाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो है इस वाली कार के अंदर इंस्टॉल करी गई हैं। तो यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ अपना जो स्टीयरिंग व्हील का काम है वो बाकी है। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर डुअल टोन रैप जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है, और ये भी अपना जो सीट कवर है डुअल टोन के कॉम्बिनेशन के साथ इसी को मैच करके यहाँ पे फिट अपना जो है इंस्टॉल किया जा रहा है। बाकी बात कर लेते हैं फ्रंट प्रोफाइल से क्या क्या अपडेट जो है वो रहने वाले हैं। सबसे पहले आप इसको देखेंगे तो फ्रंट में आपको फॉग लैंप इस वाले मॉडल के अंदर नहीं मिलते हैं, तो फॉग लाइट का जो फिटमेंट है वो किया गया है अपनी मिंडा वाली फॉग लाइट हैलोजन बल्ब के साथ, इसका जो फिटमेंट है वो यहाँ पे रहने वाला है। इसके अलावा इस कार के अंदर एक ग्लॉसी किट का जो फिटमेंट है वो भी किया गया है, जिसमें आप इसके जो हेडलाइट है उसके ऊपर गार्निश जो है वो चेक कर सकते हो। अपने जो आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स हैं उसके ऊपर आपको इंसर्ट मिल जाता है। डोर हैंडल्स भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसके अलावा रियर में आप आते हैं तो यहाँ पे आपको जो इंसर्ट है वो देखने को मिल जाएगा। रियर की टेल लैंप आप चेक कर सकते हो, इसके ऊपर भी ग्लॉसी इंसर्ट है वो आपको दिया गया है। ये किट जो है ये सारे पार्ट्स इसके अंदर आ जाते हैं। बाकी ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे अपनी जो रूफ रेल्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। एंटीना इस वेरिएंट के अंदर आपको नहीं मिलता, वो लगाया गया है। और पीछे आप आते हैं तो यहाँ पे अपने जो स्पॉइलर है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि स्पॉइलर आप जो है यहाँ पे आप चेक करो ये व्हाइट कलर का है, अगर आप चाहो तो ब्लैक कलर का जो स्पॉइलर है वो भी लगवा सकते हो। ब्लैक कलर में ये रहेगा जैसे रूफ रेल ब्लैक है तो अपना जो स्पॉइलर है वो उसी के कॉम्बिनेशन के साथ जो है वो सेट हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों रियर में आप देखेंगे तो यहाँ पे रियर का जो गार्ड है वो भी आपको देखने को मिल जाता है, जिसके ऊपर आपको प्रॉपर पंच की बैजिंग है वो देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो अपना जो रियर व्यू कैमरा है उसकी प्लेसमेंट आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें एक रिफ्लेक्टर भी इंस्टॉल किया गया है, जो कि आपको मैं दिखाता हूँ किस तरीके की इसकी वर्किंग वगैरह रहने वाली है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब अपने जो है इसको आप ऑन करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ इस तरीके जो स्कैनिंग मोड है वो देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा जिस भी साइड का आप इंडिकेटर दोगे, जैसे कि यहाँ का जो इंडिकेटर है वो पुट कर दिया है, तो इंडिकेटर के ऊपर जो है वो सिक्वेंशियल टाइप ब्लिंक करना भी स्टार्ट कर देता है। बाकी इंटीरियर में जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अपनी स्टीयरिंग रैप का जो काम है वो किया जा रहा है। बाकी आप फ्लोर पे देखोगे तो फ्लोरिंग है, डाई वाली फ्लोरिंग का जो फिटमेंट है वो किया गया है। मैं आपको एक बार रियर प्रोफाइल चेक करवा देता हूँ, तो यहाँ पे जो है कंप्लीट इसका जो फिटमेंट है वो आप चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। डाई वाली अपनी क्रोकोडाइल फिनिश के साथ जो फ्लोरिंग है वो इसके फ्लोर के ऊपर करी गई है। उसके अलावा सीट कवर्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे अपने डुअल टोन वाले फुल बकेट जो सीट कवर्स है उनका फिटमेंट रहने वाला है। और इसके ऊपर आप सेंटर में देखोगे तो यहाँ पे आपको जो पंचिंग डिजाइन है वो भी देखने को मिल जाता है। अभी आपको ड्राइवर सीट वगैरह भी चेकआउट करवा दूंगा। सिस्टम वगैरह का जो अपडेट है वो भी इस कार के अंदर रहने वाला है, उसकी भी हम बात करेंगे। स्पीकर जो है वो पैक हो चुके हैं दरवाजे दोबारा से, तो पाइनर के अपने फ्रंट डोर के अंदर कंपोनेंट और रियर डोर के अंदर जो एक्सल स्पीकर है उनका फिटमेंट किया गया है। बाकी जब तक उस वाली कार के अंदर काम चल रहा है मैं आपको ये जो अपनी एडवेंचर वाली वेरियंट है वो दिखाता हूँ। बेसिकली ये एडवेंचर रिदम वाला जो वेरियंट आता है वो वाला वेरियंट है, जिसमें आपको म्यूजिक सिस्टम जो है टच स्क्रीन वाला वो कंपनी लगाकर देती है। एक बार में सबसे पहले इस कार का जो इंटीरियर है वो आपको चेक करवा देता हूँ, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ये अपना जो एडवेंचर रिदम वाला वेरियंट है वो रहने वाला है। अब इस कार के अंदर हम क्या क्या कर रहे हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे तो अपने मोस्ट फेवरेट सीट कवर जो है वो अपने यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं चेरी वाले, तो आप इसको देख लीजिए किस तरीके की आपको जो फिनिशिंग वगैरह है इसके साथ देखने को मिल जाती है। और प्रॉपर जो है इसका काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और रियर की भी फिटमेंट वगैरह आपको मैं चेक करवा देता हूँ कैसे कुछ आपको देखने को मिल जाती है, तो आप जो है यहाँ पे इसको चेकआउट कर सकते हैं। फ्लोर के ऊपर अपनी जो फ्लोरिंग है वो रहने वाली है, डाई वाली फ्लोरिंग जो है वो करी गई है। अब इसके पैनल्स वगैरह लगना बाकी है, वो लग जाते हैं फिर वो भी आपको चेक करवा देते हैं। इस वाली कार के अंदर लाइटिंग के अंदर काम जो रहने वाला है एम्बिएंट लाइट लग रही है 10 पीस वाली K3 एम्बिएंट लाइट जो फिटमेंट है वो रहने वाला है, जो कि आपको 4 दरवाजों में 2 पीस डैशबोर्ड में और 4 पीस जो है वो आपको फुटवेल्स के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। इसकी जो रूफ है वो भी ब्लैक आउट करी गई है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो कंप्लीट कार का ए पिलर हो जाता है, वो अपर बॉडी हो जाती है, स्पॉइलर वाला पार्ट हो जाता है, सारा कुछ आपको जो है ब्लैक आउट देखने को मिल जाएगा। डुअल टोन में जो है ये कार तैयार की जा चुकी है, यहाँ पे आप इसका जो लुक है वो चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों इस कार के लुक को और ज्यादा इन्हांस करने के लिए इस वाली कार के अंदर जो GT किट है उसका फिटमेंट भी रहने वाला है। और अदर एक्सेसरीज की बात कर लेते हैं तो स्पॉइलर जो है वो अभी लगा हुआ नहीं है, रियर का जो स्पॉइलर है वो लगने वाला है। एंड फ्रंट में आप देखोगे तो इस वाली कार के अंदर भी आपको जो फॉग लैंप्स हैं वो नहीं मिलते हैं, यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं। तो अपने प्रोजेक्टर वाले जो फॉग लाइट है वो इंस्टॉल करने वाले हैं और LED नहीं रहने वाली। बेसिकली इसके अंदर जो हैलोजन बल्ब है वो आपको मिलने वाला है, हैलोजन वाले जो प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स हैं वो इस वाली कार के अंदर रहने वाले हैं, यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं। अभी सारा कुछ लग जाता है, उसके बाद आपको कंप्लीट चेकआउट
डाउनलोड करा दूंगा। वेलकम लाइट जो है वो भी रहने वाली है, जो कि अपना यहाँ पे कुछ तरीके का आपको जो है देखने को मिल जाता है। फिटिंग यहाँ पे स्टार्ट करी जा चुकी है। स्पॉइलर वाला पार्ट जो है आप ये आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर अपना जो स्पॉइलर है वो भी लगने वाला है। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो अपने स्टेयरिंग रैप का जो काम है वो कंप्लीट किया जा चुका है, और कंप्लीट डुअल टोन में अपना जो स्टेयरिंग रैप है वो हो चुका है। कैसी फिटमेंट आ रही है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। प्रॉपर अपना ओएम टाइप है, बट यहाँ पे अपना जो मून डिजाइन है वो यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, जो कि अपने सीट कवर को प्रॉपरली मैच करता है। सीट कवर की बात हम लोग कर चुके थे, बस आप यहाँ पे जो फ्रंट की फिटमेंट है वो चेक कर सकते हो किस तरीके की जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे स्टेयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल्स टाटा जनरल वाले वो भी इंस्टॉल किए गए हैं, जो कि प्रॉपरली पेयर्ड रहने वाले हैं अपने म्यूजिक सिस्टम के साथ। वॉल्यूम प्लस है, वॉल्यूम माइनस है, इस तरीके से म्यूट अनम्यूट और अपना जो है यहाँ पे अपना बीटी वगैरह के सारे बटन जो है वो प्रॉपर वर्क करने वाले हैं। सिस्टम की बात कर लेते हैं तो टच स्क्रीन सिस्टम वो यहाँ पे इंस्टॉल किया जा चुका है। कैसा कुछ इंटरफेस आ रहा है वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। टच का रिस्पॉन्स कैसा है वो आप यहाँ पे देख लीजिए, काफी क्विक रिस्पॉन्सिव जो स्क्रीन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एंड रियर व्यू जो कैमरा है उसका आउटपुट भी आप यहाँ पे चेक कर लीजिए किस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। ये मूविंग वाला जो अपना कैमरा है इस वाली कार के अंदर इंस्टॉल किया गया है। बाकी दोस्तों सेंटर में आप देखोगे तो यहाँ पे एक आर्मरेस्ट भी है, जिसमें आपको मल्टीपल फीचर्स मिल जाते हैं। स्लाइडिंग का फीचर है, नीचे स्पेस है, हैंड ब्रेक के लिए आपको जगह मिल जाती है, एश ट्रे कप होल्डर, इस तरीके की सारी स्पेस वगैरह जो है वो आपको इसके अंदर मिल जाती है। नीचे आप देखोगे तो अपने फ्लोरिंग आपको मैं दिखा ही चुका था, उसके ऊपर अपने जो मैट्स है वो यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं, जो कि कुछ इस तरीके के रहने वाले हैं। और यहाँ पे आप देखो फुटवेल्स के ऊपर आपको जो है वो लाइटिंग भी देखने को मिल जाएगी। एटीएम लाइट जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है। बेसिकली दोस्तों रिमोट बेस्ड रहने वाले हैं, जिसमें आपको मल्टीपल कलर के जो ऑप्शंस हैं वो मिल जाते हैं, जो सा कलर आपने लगाना है उस कलर को जो है वो आप चूज कर सकते हैं। बाकी दोस्तों सेंटर डोर लॉकिंग जो है वो भी लगाई गई है, जिसकी एक की आप यहाँ पे देख लीजिए। इस वाले मॉडल के अंदर आपको ये वाली जो की है वो मिलती है, अपनी आरडी कंपनी की सेंटर डोर लॉकिंग है वो इंस्टॉल करी गई है, और इसके अंदर आपको कुछ तरीके का फीचर मिल जाता है। एक फ्लिप की जो है वो भी इंस्टॉल करी गई है, अभी फ्लिप की बनने के लिए गई आती है, वो भी आपको मैं चेक करवा दूंगा। और यहाँ पे आप पंच की जो स्कफ प्लेट है वो भी चेकआउट कर सकते हो। तो ये सारी कुछ एक्सेसरीज थी जो कि इस वाली कार के अंदर जो है वो इंस्टॉल करी गई है। एक बार आपको लुक दिखा देता हूँ, कैसा कुछ लुक जो है वो आपको मिल जाता है। यहाँ पे आप कंप्लीट जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। रही बात व्हील कवर की, तो व्हील कवर इसलिए नहीं लग रहे हैं क्योंकि भैया ने अलॉय व्हील्स का जो फिटमेंट है वो करवाना है, तो इसलिए हम व्हील कवर जो है वो इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं। बाकी अपनी दूसरी वाली गाड़ी का जो काम है अभी वो बाकी है, और इसका काम हो जाता है फिर आपको मैं ये वाली गाड़ी भी चेकआउट करा दूंगा। और अपनी जो तीसरी वाली पंच है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, इसके ऊपर अपनी जो ग्रे कलर की गाड़ी है, क्योंकि इसके ऊपर अपनी जो व्हाइट टेपिंग वगैरह का काम है जो वो किया जा रहा है। जैसे कि वहाँ पे व्हाइट वाली थी उसको ब्लैक कर दिया है, और ये ग्रे वाली है तो इसके ऊपर व्हाइट कर दिया है। तो आप चाहो तो खैर इसके ऊपर भी ब्लैक करवा सकते हो, और अंदर से भी इसमें सिस्टम वगैरह का जो काम है वो किया जाना है। काफी कुछ अपडेट जो है इसके अंदर भी रहने वाले हैं। A few moments later. तो पार्किंग से अपनी जो पंच एडवेंचर रिदम वाला वेरिएंट था वो आ चुका है, और गाड़ी का काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले आप गाड़ी का जो लुक है वो चेक कर सकते हो किस तरीके का जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अपडेट की बात करते हैं, क्या कुछ अपडेट जो है वो रहने वाला है। सबसे पहले आप इसकी जो फॉग लाइट है वही चेक कर सकते हो, यहाँ पे फॉग लाइट आपको नहीं मिलती है। फॉग लैंप का जो फिटमेंट है वो किया गया है। हेडलाइट आप चेक कर लीजिए, इसमें अपना हेलोजन बल्ब भी रखा गया है, बट यहाँ पे जो अपनी डीआर लाइट है वो इंस्टॉल करी गई है। और ऊपर की तरफ आप देखोगे पार्किंग बल्ब चेंज है, और डीआर लाइट का जो फिटमेंट है वो किया गया है। तो सामने से लुक आप चेक कर सकते हो, साथ साथ अपनी जो जीटी किट है वो इंस्टॉल करी गई, क्योंकि अपनी प्रॉपर रहने वाली है अपनी जीटी किट, इसका जो फिटमेंट है वो यहाँ पे रहने वाला है। बात कर लेते हैं अब इसकी फॉग लाइट, तो सामने से आप देखोगे तो फॉग लाइट इस वाले मॉडल के अंदर नहीं आती है। फॉग लैंप का जो फिटमेंट है वो किया गया है, और मेरे सामने फर्स्ट टाइम जो है ये वाले फॉग लैंप यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं। तो राजन भाई से पूछ लेता हूँ मैं, राजन भाई कौन से वाले फॉग लाइट ये जो है आपने यहाँ पे इंस्टॉल करी हुई है? इसके अंदर लेजर प्रोजेक्टर लगाया है हमने येलो कलर के। तो जो ये येलो कलर के लेजर प्रोजेक्टर है अपने, ये इसकी जो फोकस होता है इसका बहुत लंबा फोकस मारता है। आप जितना मर्जी किलोमीटर के हिसाब से दूर देखोगे ना, ये उतना दूर तक आपको दिखाई देने। तो अभी यहाँ पे आप देख रहे हो सामने फोकस है, और हम लोग वीडियो बना रहे हैं ऑलमोस्ट इतनी ही दूरी से। तो अपना सामने जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो आप चेक कर सकते हो, अभी भी वहाँ पे काफी लाइट जो है, अगर हम और भी पीछे हो जाएंगे तो इसका फोकस जो है वो बरकरार रहने वाला है। लेजर प्रोजेक्टर होता है ये, जितनी दूर से देखा जाए उतना ज्यादा ये फैल के दिखाई देती है इसकी रोशनी। तो मतलब कि ये तो पहली बार लगाया ना मेरे सामने, फर्स्ट टाइम लगाया, ओनली येलो में होता है ये। भैया की डिमांड थी मुझे खाली प्रोजेक्टर में येलो कलर चाहिए, तो इसलिए भैया को ये हमने लगा के दिया। और सामने से कैसा कुछ लुक ऑफर कर रहा है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, और बहुत जबरदस्त आपको यहाँ से बीम दिख रही होगी, किस तरीके की जो बीम है वो यहाँ से जा रही है और ये होती हुई पूरी वहां तक जा रही है। तो कंप्लीट जो है अपनी लाइटिंग सेटअप के अंदर बहुत जबरदस्त जो अपडेट है वो हो चुका है। एलईडी के अंदर भी ऐसा कुछ आता है भैया? एलईडी के अंदर अगर हम लेंगे तो एलईडी की रोशनी फैल के आती है, और जो लेजर प्रोजेक्टर होता है ना वो बिल्कुल सीधा मारता है, जैसे कि आप ये देख सकते हो एकदम। तो यहाँ पे रोशनी का सबसे बड़ी खासियत यही होती है, आप किलोमीटर के हिसाब से जितनी लंबी रेंज चाहो उतनी लंबी रेंज में आप देख सकते हो, दूर तक क्या दिख आपको रोड पे दिख जाएगा। तो ये तो हो गया फ्रंट प्रोफाइल से इसका काम। बाकी साइड से बात कर लेते हैं कि साइड से क्या कुछ अपडेट जो है वो रहने वाला है। तो रूफ जो है टेपिंग करी गई है, मैं आपको डे टाइम में दिखा चुका हूँ अपनी जो रूफ है लगी थी, ये भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अपडेट क्या हुआ है, रियर में एक स्पॉइलर जो है वो इंस्टॉल किया गया है। बाकी अंदर से कोई अपडेट एक्स्ट्रा नहीं हुआ है, सारी सीटें वगैरह मैं आपको दिखा चुका था। एमएन लाइट जो है 10 पीस वाली वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, 2 पीस अपने डैशबोर्ड में, 4 पीस दरवाजों में, और यहाँ पे फुटवेल्स
पे आप जो है इसको चेक कर सकते हैं। बाकी रियर से आपको दिखा दूं, यहाँ पे अपना जो रियर का स्पॉइलर है वो इंस्टॉल किया जा चुका है, और अपनी जो रियर में यहाँ पे अपना जो किट है वो आप चेक कर सकते हो, इसका रियर वाला पोर्शन किस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। तो इस वाली गाड़ी के अंदर सारा जो काम है वो किया गया था। बाकी मिलते हैं कार ओनर से और आपको उनसे बताते हैं मिलकर कैसा कुछ उनका जो रिस्पॉन्स है वो रहने वाला है। और साइड में यहाँ पे क्लैडिंग जो है वो आप चेक कर सकते हैं। तो सर सबसे पहले बताइए अपना नाम। संदीप रावत, संदीप रावत गाजियाबाद से है। तो यहाँ के बारे में कैसे पता चला आपको? आपके चैनल के थ्रू, वाहन ऑफिशियल के थ्रू मैंने देखा थी, मतलब वीडियोस वगैरह आपकी देखी, बहुत अच्छा लगा, काम लगा, तो मैंने कहा आपके ट्राई करें काम देखकर। तो जो जो चीज़ें आपको अपनी कार के लिए चाहिए थी सारी कुछ यहाँ पे मिल गई, सब चीज़ अवेलेबल थी। कैसा लगा फिनिशिंग फिटमेंट वगैरह? फिनिशिंग एकदम परफेक्ट लगा, एकदम एक नंबर, कहीं कुछ खुश लगा एकदम, मतलब चलो जो चीज़ जिस काम के लिए आए थे वो पूरा काम हो गया है बेसिकली। तो जो हम लोग वीडियोस में दिखाते हैं वही चीज़ यहाँ पे मिलती है या कुछ अलग हो जाता है? वही चीज़ मिलती है, सब कुछ वही, रेट भी वही, जो ऐसा कुछ नहीं कि ऊपर नीचे कुछ, और काम भी एकदम परफेक्ट होता है, जिस जैसे आपका वीडियोस में शो होता है वैसे ही काम रियल में भी होता है। रियल में भी रहता है। तो अगर ये पूछूं कहीं कुछ कमी लगी हो तो कोई कमी तो नहीं लगी? कमी कोई कुछ नहीं। एक नंबर अगर देने हो 10 में कितना बताना चाहोगे आप? 10 पूरे नंबर, पूरे नंबर। और पेमेंट आपने कितने कर दिए सर? पेमेंट मैंने करी 43,000। तो ये पेमेंट वर्थ है? हाँ वर्थ है, बिल्कुल एकदम परफेक्टली वर्थ है। ठीक है सर, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, और आप वीडियो देख के आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।